हमारे पास आ चुका है मोटोरोला H50 Pro और अगर इसके कैमरा स्पेक्स देखें ना तो काफी अच्छे कैमरास लग रहे हैं, तो क्यों ना वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन से इसे कंपेयर करें। और अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज वो है Vivo V30। मेरा नाम है प्रवीण भजन का और आप देख रहे हैं 90 मोबाइल्स। सो सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों के कैमरा स्पेक्स पे। कैमरा स्पेक्स की बात करें तो दोनों में आपको मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, लेकिन यहाँ पे अपर्चर में डिफरेंस है। मोटोरोला H50 Pro में आपको मिलता है F1.4 का अपर्चर जिसमें की लाइट ज्यादा इनटेक करेगा, और यहाँ Vivo V30 में मिलता है F1.88 का अपर्चर। और एक और खास बात है मोटोरोला H50 Pro में कि आपको लेजर ऑटो फोकस मिलता है। और बाद में बात करें हम दोनों में आपको अल्ट्रावाइड मिल जाता है। मोटोरोला में मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का और इसमें आपको मैक्रो सेंसर भी साथ साथ काम करता है अल्ट्रावाइड के अंदर ही, और Vivo V30 में मिलता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड। और एक और कैमरा मिलता है हमें मोटोरोला H50 Pro में जो कि है 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो सेंसर, और वहीं पे यहाँ पे आपका Vivo V30 में थर्ड कैमरा कोई भी नहीं है। और फ्रंट में बात करें तो दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। 2024 का ये ट्रेंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैक्रो कैमरा देखने को ही नहीं मिल रहा है और पोर्ट्रेट मोड की फोटोज काफी अच्छी हो गई है, आप खुद ही देख लो। दोनों ने अच्छी फोटोज क्लिक की है बट डिफरेंस भी है। Vivo की फोटो देखकर लग रहा है जैसे कि लिपस्टिक लगा दी हो मेरे होठों पे, वहीं मोटोरोला ने न्यूट्रल रखा है। इसके साथ ही मोटोरोला ने फोरहेड के डिटेल्स को ब्लोन आउट कर दिया है जबकि Vivo ने अच्छे से एक्सपोज किया है। लेकिन मोटोरोला में जो अच्छी बात है कि एज डिटेक्शन Vivo के कंपैरेटिवली अच्छा किया है, आप नेक में देख सकते हैं। ऐसे में पोर्ट्रेट में मोटोरोला को बेहतर कहूंगा। इसमें भी सेम लिपस्टिक लगा रखी है Vivo ने, बट अब मोटोरोला की फोटो बेटर लग रही है क्योंकि अब मोटोरोला का टेलीफोटो काम करते हुए दिख रहा है। और Vivo V30 के कंपेयर में इसमें देख सकते हैं डिटेलिंग काफी ज्यादा है। मोटोरोला H50 Pro का एक और बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे 50mm एंड 85mm पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है थैंक्स टू टेलीफोटो सेंसर। इसके बाद जब हम बढ़कर दूसरे फोटो पे आते हैं तो नो डाउट Vivo की फोटो में येलो टिंट दिख रहा है लेकिन मोटोरोला के कंपेयर में ज्यादा क्लियर है, एंड ऑल्सो बैकग्राउंड क्लियरली विजिबल है जबकि मोटोरोला की फोटो में बैकग्राउंड ब्लर सा हो गया है। अल्ट्रा वाइड के लिए एक तरफ 50 मेगापिक्सल है और दूसरी तरफ 13 मेगापिक्सल, तो देखते हैं इनके रिजल्ट। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो Vivo की फोटो ज्यादा ब्राइट है एंड क्लोज टू नेचुरल लग रही है, और वहीं मोटोरोला की फोटो में कलर कॉन्ट्रास्ट हाई है तो थोड़ा बूस्टेड कलर्स मिल रहे हैं। अगर मुझे एक को पिक करना हुआ तो Vivo V30 इज बेटर, बट मुझे बड़ा अजीब लगा कि सीन बदलते ही रिजल्ट बदल गया। जब मैंने दूसरी अल्ट्रावाइड फोटो ली तो Vivo V30 के कलर्स थोड़े बूस्टेड देखने को मिले और वहीं मोटोरोला के फोटोज थोड़ा क्लोज टू नेचुरल लगे। यहाँ मैं मोटोरोला को चूज करूंगा। मोटोरोला का अल्ट्रावाइड कैमरा मैक्रो का भी काम करता है और मुझे बेटर लगा एटलीस्ट उन 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा से। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं दोनों के 50 मेगापिक्सल विद OIS कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों फोटोज काफी अच्छी लग रही हैं, कलर्स भी ऑलमोस्ट सेम से हैं, बट डिटेलिंग में मोटोरोला आगे निकल रहा है। अगर हम राइट में पत्तों पे जूम करें तो मोटोरोला ज्यादा डिटेलिंग दे रहा है कंपेयर टू Vivo V30। एक और फोटो देखें तो सेम रिजल्ट, फोटो बहुत अपीलिंग लग रही है और उस दिन थोड़ा क्लाउडी वेदर भी था। अब आप बताइए कौन सी फोटो ज्यादा अच्छी है और कौन से फोन से क्लिक हुई है। फुल 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो अगेन नो डाउट मोटोरोला की फोटो ज्यादा शार्प है एंड आप क्लियरली पढ़ सकते हैं टेक्स्ट को, बट कलर्स थोड़े मुझे बेटर देखने को मिले Vivo में। अब तक हमने काफी फोटोज देख ली लेकिन अब एक साथ मैं सारे सेंसर्स का फोटो दिखा रहा हूँ जिससे आप कलर शिफ्ट को खुद देख सके। आप देख सकते हैं कि 2x एंड 3x जूम करने पर Vivo V30 पीछे हो जाता है क्योंकि इसमें आपको डिजिटल जूम मिलता है, जबकि मोटोरोला ऑप्टिकल सेंसर यूज कर रहा है इसलिए क्वालिटी बनी रहती है। रेयर के बाद अब फ्रंट कैमरा पर चलते हैं। यहाँ Vivo V30 की फोटो में कलर्स बेटर हैं और बैकग्राउंड भी अच्छे से विजिबल है कंपेयर टू मोटोरोला जहाँ थोड़ा ब्लर हो रहा है। नॉर्मल फोटोज के बाद फ्रंट पोर्ट्रेट में देखें तो दोनों का बोके अच्छा लगा, बट Vivo के एज डिटेक्शन में गड़बड़ लगी। अगर आप मेरे हेड के ऊपर जूम करेंगे तो Vivo स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है और वहीं मोटोरोला ने स्मूथली काम किया, बट समहाउ कलर्स थोड़ा क्लोज टू नेचुरल लगे मुझे Vivo के। जब इस कैमरा टेस्ट को मैं कर रहा था तो इत्तेफाक से मेरे पास 2 और एक्स्ट्रा फोन थे, OnePlus Nord CE4 एंड Nothing Phone 2A, एंड मैंने इन सब के 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा से फोटो लिया। इन चारों को मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड मोटोरोला डिटेलिंग में यहाँ पे सब पर भारी पड़ा, खुद देख सकते हैं। फोटोज देखने के बाद अब चलते हैं वीडियोस की ओर। दोनों में आपको ड्यूल व्यू वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है और Vivo V30 में आपको एक्स्ट्रा
पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आपको मोटोरोला में नहीं देखने को मिलता। मैं शूट कर रहा हूँ दोनों की ही मेन कैमरा से 4K 30 FPS में, और अभी चेक करते हैं दोनों में OIS है। लेट्स चेक द स्टेबलाइजेशन एंड लेट्स गो। सो आप लोग बताइए किसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऑन द स्पॉट अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो मोटोरोला में थोड़ा सा मेरे को बूस्टेड कलर्स देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू वीवो V30। आप लोग बताइए कमेंट्स में कैसा लग रहा है, और जो भी आपको ऑडियो मिल रही है वो इनके इंटरनल माइक से मिल रही है। अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों के मेन कैमरा से Full HD 30 FPS में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा आपको डिटेलिंग मिल रहा है, कैसा कलर क्वालिटी मिल रहा है, किसका कलर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, जरूर से बताइए कमेंट्स में। अभी मैं स्टेबलाइजेशन चेक कर लेता हूँ, तो लेट्स रन। थोड़ा क्लाउडी वेदर है इसलिए आपको ऐसे कलर्स देखने को मिल रहे होंगे। सो किसका स्टेबलाइजेशन आपको ज़्यादा पसंद आया, जोर से बताइएगा कमेंट्स में। कर रहा हूँ दोनों के ही अल्ट्रा वाइड सेंसर से Full HD 30 FPS में, लेकिन यहाँ पे आपका Motorola H50 Pro में आपको 4K 30 FPS का भी ऑप्शन मिलता है अल्ट्रा वाइड में, विच इज़ प्रेटी गुड। एंड साथ साथ आप यहाँ पे कैमराज भी चेंज कर सकते हैं 2x, और यहाँ पे आपका 3x आपका टेलीफोटो लेंस आ जाता है। और वहीं यहाँ पे मेरे पास मिल रहा है जूम, सो यहाँ पे भी मिल रहा है आपको 1x 2x का, बट ऐसा जूम मिल रहा है क्योंकि 1x तो नॉर्मल कैमरा हो गया, उसके बाद तो सारा डिजिटल जूम है। सो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब मैं शूट कर रहा हूँ दोनों के ही फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है दोनों में ही, विच इज़ प्रेटी गुड। एंड कैमरा स्विचिंग का ऑप्शन मेरे को दोनों में नहीं दिख रहा है, सो विच इज़ मतलब और ब्रांड्स में मिलता है, अभी तक इनमें दोनों में तो नहीं देखने को मिल रहा है। खैर अभी रन करके देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन किसका ज़्यादा अच्छा है फ्रंट कैमरा में, लेट्स रन। और अभी मैंने कोई स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं करके रखा है, और ये देख सकते हैं आप मेरा। सो किसका स्टेबलाइजेशन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जोर से बताइए कमेंट्स में। और मुझे लग रहा है मोटोरोला थोड़ा सा जूम इन है कंपेयर टू वीवो V30। कर रहा हूँ दोनों के ही फ्रंट कैमरा से एंड Full HD 30 FPS में, और यहाँ पे देखते हैं स्टेबलाइजेशन कैसा है। यहाँ पे हमें कैमरा स्विच का ऑप्शन मिल रहा है वीवो V30 में, विच इज़ गुड। खैर अभी पहले स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं, लेट्स रन। तो किसका स्टेबलाइजेशन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है Full HD में, और मैंने कोई स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं कर रखा, जो भी है इसका नॉर्मली कैसा स्टेबलाइजेशन आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको स्विचिंग का ऑप्शन मिलता है, सो जस्ट अ मिनट। यहाँ के कैमरा स्विच कर सकते हैं, और अल्ट्रा वाइड में भी जा सकते हैं, मेन में भी जा सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो गाइस डेलाइट की फोटोज एंड वीडियोस तो आप लोगों ने देख ली, अब तक आपको कौन से फोन का कैमरा ज्यादा पसंद आ रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम चलते हैं नाइट फोटोग्राफी की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फोटोज बहुत ब्राइट हैं, लेकिन मैं जहाँ ये फोटो शूट किया वहां पिच डार्क सिचुएशन था, तो उस हिसाब से ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। बट डिफरेंस की बात करें तो मोटोरोला थोड़ा ज्यादा शार्प है, बट वीवो की फोटो ओवरऑल ज्यादा अपीलिंग लग रही है कंसीडरिंग बैकग्राउंड कलर्स एंड शेडोज। नाइट मोड ऑन करने के बाद वीवो की फोटो थोड़ी ब्लर आई है और ओवरऑल इतनी डिटेलिंग नहीं है, सो मेरा पिक इस बार मोटोरोला रहेगा क्योंकि इसमें डिटेलिंग एंड एक्सपोजर काफी अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की है। वहीं फ्लैश ऑन करते ही वीवो V30 की डिटेलिंग बेटर हो जाती है कंपेयर टू मोटोरोला। ऑल्सो वीवो ने बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे से एक्सपोज करने की कोशिश की है, जबकि मोटोरोला में फ्लैश इतनी ज्यादा थी कि मेरी आंखें भी बंद हो गई। फ्रंट कैमरा में क्लियर विनर है मोटोरोला H50 Pro, ज्यादा ब्राइट फोटो एंड लेस नॉइज कंपेयर टू वीवो V30। स्क्रीन फ्लैश के बाद भी मोटोरोला H50 Pro ही बेटर है। नॉर्मल स्ट्रीट पे जब हम फोटो लेते हैं तो वीवो की फोटो ज्यादा कलर एक्यूरेट है एंड ब्राइटर आ रही है कंपेयर टू मोटोरोला। नाइट मोड ऑन करने के बाद भी सेम रिजल्ट देखने को मिले, Vivo is performing better than Motorola, but एक चीज जो थोड़ा अजीब लग रही थी कि रात में भी Vivo sky को blue कर रहा था। अपने 25 साल की उम्र में मैंने पहली बार रात में blue sky देखा। मैं बता दूं कि पहली बार जब रात में blue sky किया तो मुझे अपने आप पे शक हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन दूसरी बार जब सेम रिजल्ट आया
तो समझ गया कि वीवो ही रात में सूरज दिखा रहा है। सो अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों के मेन कैमरा से फुल HD 30 FPS में लो लाइट और नाइट फोटोग्राफी। देख सकते हैं किस तरह का आपको फुटेज मिल रहा है। एंड मोटोरोला में काफ़ी ब्राइट देखने को मिल रहा है मेरे को, बट नॉइज़ भी उसी हिसाब से देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे वीवो V30 थोड़ा बेटर एक्सपोज्ड वीडियोस दे रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, किसका फुटेज आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है नाइट में, और जो भी आपको ऑडियो आ रही है इसके इंटरनल माइक से आ रही है। सो अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों के ही फ्रंट कैमरा से लो लाइट और नाइट फोटोग्राफी में। देख सकते हैं कैसा आप लोग को आउटपुट मिल रहा है फ्रंट से। ये फुल HD 30 FPS में शूट हो रहा है, तो इस तरह का आपको आउटपुट मिलेगा मोटोरोला H50 Pro एंड वीवो V30 से। मोटोरोला H50 Pro एंड वीवो V30 ने एक दूसरे को काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया। कभी मोटोरोला आगे जा रहा था तो कभी वीवो, बट हमें तो सिर्फ एक विनर को चूज करना था। तो हमारी टीम ने बैठकर फोटोज एंड वीडियो सारी देखी और 10 में से 6 बार सबको मोटोरोला ही पसंद आ रहा था, इसलिए हमने मोटोरोला H50 Pro को विनर चुना है। इसका विनर बनने का सबसे बड़ा कारण है इसका 3x टेलीफोटो लेंस, जो कि डिटेल्स को काफी एनहांस कर देता है। जहां ये हाई कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से पीछे रहा, वहां पे इसकी डिटेलिंग अच्छी थी। तो इसमें मैं मोटोरोला H50 Pro और वीवो V30 में मोटोरोला H50 Pro को ही विनर कहूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को। और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।